आज का टॉपिक लेते हैं मूल्यांकन, जिसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे एफ़ई की, जो सीटेट में अक्सर पूछता है एफ़ई से रिलेटेड। तो एफ़ई और एसई क्या होता है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, तो अभी हम लोग देखते हैं एफ़ई क्या होता है। तो एफ़ई होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसका मतलब रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को इसको निर्माणात्मक भी बोलते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आपको एफ़ई याद रखना है। एफ़ई से मैं एक बात बता दूंगी कि एफ़ई में आपको ड्यूरिंग वर्ड ढूंढना है, यानी कि जो ड्यूरिंग, यानी कि ये पढ़ाई के दौरान ही, अध्यापन के दौरान ही, जैसे क्लास में क्लासेस चल रही हैं, टीचर पढ़ा रहा है, उसी दौरान वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है और देख सकता है कि जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो ये भी एक मूल्यांकन है। तो ये एफ़ई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब आते हैं एसई के बारे में, समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। क्या होता है योगात्मक मूल्यांकन, तो योगात्मक हम आफ्टर करते हैं, यानी सत्र के आखिरी में, सेशन हमारा करिकुलम कंप्लीट हो रहा है उसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो समेटिव होते हैं, तो वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या याद रखना है, एस ई के साथ चलेगा आफ्टर, ठीक है, और एफ ई के साथ चलेगा ड्यूरिंग, यानी कि पढ़ाई के अध्यापन के दौरान ही। और इसमें क्या चलेगा, एसी में चलेगा आपका आफ्टर, यानी कि सत्र के आखिरी में, इसको योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। अब आते हैं डायग्नोस्टिक, यानी निदानात्मक। तो निदानात्मक में क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्लासेस ख़त्म कर ली, बच्चा आपने करिकुलम ख़त्म कर लिया पूरा एक साल का, फिर आपने देखा साल के दौरान ही, और आपने देखा कि बच्चा फेल हो गया, कोई बच्चा मान लीजिए असफल रहा उस करिकुलम, पर्टिकुलर करिकुलम में, तो क्या करेंगे आप उसके उपचार के लिए देखेंगे कि किस रीजन से बच्चा फेल हुआ है, यानी कि जो करिकुलम था उसमें क्या ऐसा था जो बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, कितने परसेंट आया, नहीं आया, असफल क्यों रहा, तो आप इसका रेमेडी ढूँढेंगे, निदान करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, कारण का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करें, इवैल्यूएट करें, क्या कि बच्चा कहाँ पे, किस रीजन से उसको ये करिकुलम समझ में नहीं आया और क्यों वो असफल रहा इसको, पर्टिकुलर करिकुलम को सॉल्व करने में, क्योंकि सारे बच्चे एक ही एज ग्रुप के होते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही जैसा हो, ठीक है। तो इसलिए वो एक स्टैंडर्ड होता है कि इतने सेट है, कि इतना करिकुलम है, तो ये बच्चा कर ले जाएगा इस एज के हिसाब से। तो उस एज ग्रुप के हिसाब से वो बच्चा पीछे क्यों रहा, तो इस रीजन का आप पता लगाएंगे, कारण पता लगाएंगे, वो बाद में आएगा रेमेडियल क्या देंगे इसका। तो सबसे पहले आप रीजन पता लगाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि आपने ढूंढ लिया, रीजन पता करा।